जिहड़ा जज नू दिता वो तमाशा बन गया। अज जज साहब नू पता ही नहीं तो 15 दिन हो गए ने अपना इनक्वायरी कर रहे, आपे उन्होंने भर रहे ने, सारा खाना पूरी कर रहे ने। सरूप छाप चुके ने, बकायदा ठेकेदार नू दिते गए बेंडिंग लई, तो बेंडिंग हाउस गए फिर वापस आए, वो पुर कर लिया 125 सरूप इन्होंने पुर कर लिया कि ये सीगे साढ़े कोल। जांच का हिस्सा जो तुसी उन्हें नियुक्त की आ तो उन्होंने जांच का पता होना चाहिए कि हो रही है। जांच तो कर रहा है दोस्त साढ़े ज्ञानी हरप्रीत सिंह का दोस्त जेड़ा, जिन्हों वो कह रहे कि मैं तेलंगाना तो एक वकील लैके आया, वो इन्होंने निजी दोस्त ने, उन्होंने अज देता चार्ज के ही करे, वो इन्होंने निजी दोस्त ने और कह रहे कि उत्थे वकील ने, उतों के अगर वो वकील ने एडवोकेट ने तो सानू कृपा करके ये जथेदार जी दसन कि उन्होंने कोई जिंदगी केस लड़िया। सिंह साहब आप नहीं चाहता जांच करनी, आप करन जोगा नहीं, आप करन जोगा है नहीं है। ये कारण है कि लत्तां भार नहीं चलदियां करदा ये जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जेड़ा ना, ये जांच शब्द के नाल मजाक कर रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा। एक काल तख्त की देशाना मत इतिहास में गंधला कर रहा, एक प्रबंधक कमेटी की हिस्टरी खराब कर रहा, एक बादल की खुशी लैन लिये, परिवार की खुशी लैन। इमानदारी हो साढ़े बड़े बड़े व्डे विद्वान बैठे ने, चंडीगढ़ बैठे ने, जरनैल बैठे ने, रिटायर जज बैठे ने, प्रोफेसर बैठे ने, पंजा सिखा की कमेटी बन सकती है, पर वो कमेटी न्यूट्रल होनी चाहिए। इतने प्रबंधक कमेटी के अधिकारी ही जांच कर रहे हैं, प्रबंधक कमेटी आपे दोषी आपे जज बन गई। इन्हों मंग पत्र भूतों को मुरादा कितों मिलदियाँ, इन्हों तो मंग पत्र नहीं, असी तो आ करोना ना हों तो इतने बहुत वड्डी संगत आ लिया के तो इन्हों का जलूस कढ़दे। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के 267 सरूप गायब होने के मामले के अज अकाल तख्त साहब के पूर्व जथेदार भाई रजीत सिंह अमृतसर पुजे ने, उन्होंने गलबात कर रहे हैं। दरअसल उन्होंने जांच का जरा तरीका है उन्होंने सवाल भी निशान खड़ा किए हैं। साढ़े नाल जथेदार भाई रजीत सिंह जी मौजूद ने। सब तो पहले जी वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। जी सिंह साहब की कहना चाहते हो कि जोड़ा एक तो बड़ी मंदभागी घटना है क्योंकि गुरु साहब के सरूप जोड़े इस तरह गायब हो जाने, उस तो बाद कमेटी वालों भी कई तरह के बयान आए, पर हूँ जोड़ा है जाँच की जा रही है, तो जे एक जज से उन्हां वालों लिख के कहा गया कि वह जांच का हिस्सा नहीं बन सकते, तुसी की कहना चाहोगे? एक तो किन्ने साल हो चुके ने जिहड़ी अगन भेट हो गए, उन्होंने चोरी संस्कार किया गया, उन्हां दी जिहड़ी कैमरे की रिकॉर्डिंग से खत्म की गई, उन्हां दी जांच लई कमेटी बनाई, उहदी जांच रिपोर्ट नहीं हैगी। उहदे बाद अज जदों चार्ज लै रहे आ, एक रिटायर हो रहा वो दे रहा, एक लै रहा, उदों नंगा होया कि 167 सरूप मिल नहीं रहे रिकॉर्ड दे नाल। उहदे विच जदों सारा कुछ कमेटी दी राही नंगा होया तो विद रिकॉर्ड आ सारा कुछ, सारे अफसरां दे चाहोगे कि रिकॉर्ड तुसीं दिखाओ, जिहड़ा रिकॉर्ड तुसीं जिहदे ते सवाल निशान, तकरीबन सारे अफसरां ते अधिकारियां दे साइन ने। हाँ, ये एक तो रिकॉर्ड ये दसदा कि तुहाडे कोल सरूप एक नहीं पर जानडे ने 31 सरूप उन्होंने बिल बन रहे ने, भी जदों तुहाडे कोल रिकॉर्ड च है कुछ नहीं तो 31 सरूप जा कितों रहे ने। ये उतों की जिहड़ी बुक आ जिहदे च रिकॉर्ड हुंदा पूरा, साडे कोल सरूप किन्ने चले गए, किहड़े आकार दे किन्ने गए, किहड़े आकार दे किन्ने गए, पातशाह किन्ने गए, तो हिंदी का एक एक सरूप हिंदी दे विच आ, तो सारा कुछ ये दर्ज है। जिहड़े घट सरूप लिखे ने असीं इह तुहानूं शब्द दिखा रहे, जिहड़े घट 183 हाँ, ये ना सारा कर करा के कट कटा के 167 सरूप नहीं सी मिलते, 267 तो ये ते वो साइन किए सारे किहड़े किहड़े अधिकारी ने जिन्हां दे सारे हुण इन्हां दे नां इन्हां दे साइन जिहड़े उन्हां तों नहीं असीं कह सकते, लेकिन इन्हां च सैकटरी लेवल दे, मैनेजर लेवल दे, इंस्पैक्टर लेवल दे सारे ने। एक असीं कह सकते हैं कि
पर सिंह साहब जथेदार अकाल तख्त साहब वालों जरा आदेश किया गया सी, क्या वो आदेश ठीक है? बिल्कुल गलत है जी। एक तो देखो तीन कमेटियां बनिया, जदों नवी कमेटी भी जड़ी आ वो हाथ खड़े कर गई तो क्या गया जी ये अकाल तख्त के जथेदार साहब जज नूं देणगे। तो जथेदार साहब ने जिहड़ा जज नूं दिता वो तमाशा बन गया। अज जज साहब नूं पता ही नहीं तो 15 दिन हो गए ने अपना इनकुआरी कर रहे, आपे उन्हां दे भर रहे ने सारा खाना पूरी कर रहे ने। और मैं तकरीबन कुछ दिन पहला इंटरव्यू च दस्या सी कि इन्हां ने सरूप छाप चुके ने, बकायदा ठेकेदार नूं दित्ते गए बेंडिंग लई, तो बेंडिंग हाउस गए फिर वापस आए वो पुर कर लिया 125 सरूप इन्हां ने पुर कर लिया कि ये सीगे सीगे साडे कोल, वो हेरा फेरियां इत्थे बैठे कर रहे ने ते जज नूं पता ही नहीं। जज साहब ने तो अज खास तौर पर कहा था कि वह जांच का हिस्सा नहीं बन सकते। जांच का हिस्सा जो तुम उन्होंने नियुक्त की आ तो उन्होंने जांच का पता होना चाहिए कि हो रही है। जांच तो कर रहा है दोस्त साडे ज्ञानी हरप्रीत सिंह का दोस्त जेड़ा जिन्हों वो कह रहे कि मैं तेलंगाना तो एक वकील लैके आया, वो इन्हां दे निजी दोस्त ने। तो निजी दोस्त प्रकाश सिंह बादल की खुशी लैण लई अपने निजी दोस्त की सहायता लैके तो ये उन्होंने इस फंदे तो बचाउणगे। ये जेडे हरप्रीत सिंह जी ने ये जेडे ने तेलंगाना तो लैंदा वकील नाल नियुक्त किया सी हैल्प लई, उन्हों अज देता चार्ज के ही करे, वो इन्हों निजी दोस्त ने। और कह रहे कि उत्थे वकील ने, उतों दे अगर वो वकील ने एडवोकेट ने तो सानू कृपा करके ये जथेदार जी दसन कि उन्होंने कोई जिंदगी केस लड़िया, कोई जितया कोई हारिया, उदा रिकॉर्ड सानू देणगे। सिंह साहब मेरा एक होर सवाल है कि अकाल तख्त साहब अपने आप सुप्रीम पावर है जी, तो जांच जथेदार साहब आप भी तो कर सकते हैं क्योंकि पावन सरूपा का मसला है, क्योंकि जिदी जिदे वास्ते सारी दुनिया जिथे शीश झुकाउंदी है दूर दराजे तो संगत नतमस्तक होने आती, क्या सिंह साहब नूं आप नहीं चाहिए जांच करनी? आप करन जोगा नहीं, आप करन जोगा है नहीं है। ये कारण है कि लत्तां भार नहीं चलदियां, जो हुक्म आउंदा पूरा करना पैंदा। अज जिहड़ा जांच इहनूं दित्ती गई कि प्रबंधक कमेटी जजां नूं घट जानती है, जथेदार ज़्यादा जानता, और जज साहब नी चार्ज दे दौ तो जाँच तो वो मुताबक होनी चाहिए है। जाँच करद इतने 15 दिन हो गए ने, इन्हों जज न पता ही नहीं, जज किमें इन्हों की जाँच का हिस्सा बन सकता। तो मैं महसूस करता ये जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जड़ा ना ये जाँच शब्द के नाल मजाक कर रहा, वो बेइज्जती कर रहा। एक अकाल तख्त की देशाना मत इतिहास में गंधला कर रहा, एक प्रबंधक कमेटी की हिस्टरी खराब कर रहा, एक बादल की खुशी लैन ली, उसके परिवार की खुशी लैन ली। ये बहुत गंभीर मसला, 267 सरूपां का बहुत गंभीर मसला, साड़ी सिख कौम की जिंद जान के नाल जुड़िया हुआ मसला। ये नरोल लाना पाना जिन्ना कमेटी का प्रकाश सिंह बादल का जिम्मेवार है, इन्हों जवाबदेह होना पेगा। ये प्रबंधक कमेटी के जिने अधिकारी दोषी ने उही जांच कर रहे हैं, एक तमाशा। जांच करने वाले जड़े ने ना तो कोई हटाया ना कोई बनाया ना कोई, जेडे जांच दोषी ने उही जांच कर रहे हैं। और हरप्रीत सिंह जी अपने दोस्त नूं लिया के इत्थे फिट कर रहे हैं जी, तेलंगाना तो वकील आए ने, डूंगे समुद्र टुब्बी मार के कढ के लिया दे उतों, भी पंजाब दे वकील है नहीं, पंजाब से जज है नहीं, पंजाब से पंथक विद्वान है नहीं उन्हां मतलब। हाँ तो ये जड़ियाँ कार्रवाइया ने शक के घेरे च सारिया ने, इन्हों चाहिए भी अपने अपने घर बैठन, ये संस्था जी सिख कौम के हवाले कर, असल च दोषी ने, जाँच होनी चाहिए आ किसी एजेंसी वालों जिहड़ी किसी नूं पुछ सके, बुला के थाने च बुला के पुछ सके क्या काम होया तो किता होया। सिंह साहब थाने की गल तुसीं कीती, इन्होंने तो कोई कंप्लेट ही नहीं लिखाई गई, कोई परचा नहीं दर्ज कराया गया, उदा हरिमंदर साहब कोई श्रद्धालु आता वह कोई पर्स चोरी हो जाता तो मिनट परचा दर्ज किया जाता, तो इतने जो 267 सरूप मिसिंग हुए तो परचा ही कोई नहीं है, शिकायत तक नहीं की गई, परचा तो बहुत दूर की गल है। कोई दोषी आप ने परचा किवें दर्ज कराऊंगे, दोषी आप ने। अगर कोई क्लीयर होंगे
कोई जाने अनजाने गलती हो जाती है, बंदा क्लीयर होता है, वो आप हेल्प करता भी मैं रिपोर्ट दर्ज करा, क्लीयर करो कौन है। साडे ते एक बड़ा वड्डा खजाना जिहड़ी CBI ने इन्हां नूं सौंपिया ब्लू स्टार का, वो नहीं लभ रहा, उहदी जांच नहीं हो रही, उहदी कोई रिपोर्ट नहीं हो रही। समझो कि पूर्व जथेदार साहब जिहड़े कटी साहब तुसीं सिंह साहब हो या होर वी जिहड़े सिंह साहब ने, वो मिल के जांच करदे ते ज़्यादा बेहतर है। देखो इमानदारी होवे ते कोई भी सिख कर सकदा, इमानदारी होवे ते साडे बड़े बड़े वड्डे विद्वान बैठे ने, चंडीगढ़ च बैठे ने, जरनैल बैठे ने, रिटायर जज बैठे ने, प्रोफेसर बैठे ने, पंजा सिखां दी कमेटी बन सकती है, पर वो कमेटी न्यूट्रल होनी चाहिए। इत्थे प्रबंधक कमेटी के अधिकारी ही जांच कर रहे हैं, करोन वाला एक दोस्त लैंदा अपना ने हरप्रीत सिंह ने, नवा बंदा साडे लई कि तेलंगाना तो आया जी, गया कितों तेलंगाना, गया कितों, किसी हाई कोर्ट चे दा बंदे दा नाम नहीं हैगा, असी सर्च करके देख लिया। तो ये कितने इन्होंने को केस लड़िया होवे, जितया होवे, हारिया होवे, सानू दसण, तो ये तमाशा है कि साडियां अखां च घट्टा पाउण वाला काम कर रहे, जिन्हों हैल्प लई सद्या उही अज जज बन गया। सिंह साहब जेकर 15 दिन बाद अपनी जांच की रिपोर्ट देंगे, क्योंकि इन्हें एक महीने का योजनाबद्ध सभा मंगया सीगा, तो क्या तुसीं जांच तो सहमत हो? ना, एक जांच जिहड़ी आ ये बिल्कुल सानू मंजूर नहीं होगी, ये जांच का कोई मायने नहीं होणगे। जांच जिहड़ी आ उहदा इक्को सिट्टा निकलना, इन्हां ने मैं पहला कुछ दिन पहला इंटरव्यू च कह चुका, दस चुका कि इन्हां ने सरूप छाप के पुर कर ले, पूरे कर ले, उन्हां दी एंट्रियां पा रहे, 15 दिन हो गए इन्हां नूं एंट्रियां पाउंदिआं नूं। इन्हां ने हुण इही कहना जी ये एंट्रियां करनियां भुल गए सी, ये लिखा पढ़ी दे काम च वो सरूप ते पूरे है, पर अपने को पुख्ता रिकॉर्ड है, साडे कोल पुख्ता रिकॉर्ड है जिहड़े दिन ये घटे आ, एक तां सारिआं दे साइन ने, अफसरां दे जिन्निआं दे साइन ने, दूसरा जिहड़ी बुक आ उहदा रिकॉर्ड आ। तो असी एक बहुत इंपोर्टेंट रिकॉर्ड जरा दिखा रहे हैं, जरा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहब पावन सरूप लड़ीवार जिहड़े ने यह जिहड़े गए ने उहदा जरा रिकॉर्ड है, असी तुहानू दिखा रहे हैं कि किहड़े किहड़े सरूप जिहड़े ने किन्ने किन्ने तरीक नूं गए ने, उहदा इत्थे एक वेरवा दिता है, ते नाल नाल किन्ने सरूप घट ने उहनां दी एक अस्त लिखी, जिस दिन रिटायरमेंट हुई जिन्हें चार्ज लिया जिन्हें दिता उहनां दी हाजरी चाहे साइन होए उत्थे पाया गया कि 267 सरूप घट ने, अज कि तरह कह देणगे पूरे। तो आफ्टर ऑल कोई एक या दो या चार या पांच बीड़ा के बारे कह सकते कि ए हो गया ए हो गया, 267 बीड़ा की एक गिनती होंगी, एक प्रोसीजर आ। कांग्रेस सरकार के चुप इस मसले के उत्ते, उन्होंने बोलना चाहिए सी, क्योंकि उदा गुटका साहब जी सरकार एक तो साढ़े ना अखलाकी मसले ने, साढ़े धर्म के नाल जुड़े हुए ने, ये प्रबंधक कमेटी के संचालकों को चाहिए सी कि वो पारदर्शिता दिखाते, उहदे विच खुलदली दिखाते। सब तो पहला तो प्रबंधक कमेटी का वो सारा उस टाइम पर सील होंदा, जिहड़े अधिकारी इहदे नाल संबंधित रहे ने उन्हां नूं पासे सस्पेंड किया जाता, दोबारा एंट्री ना होंदी। उन्हां चों एक जिहड़ा इंचार्ज सी अज रिटायर हो रहा, जिहड़ा इहदा इंचार्ज आ भवन का वो अज रिटायर हो रहा, ते किवें हो रहा जांच कमेटी के सवाल पर। हाँ, तो ये सारा कुछ जांच कमेटी जिहड़ी आ प्रबंधक कमेटी आपे दोषी आपे जज बन गई, प्रबंधक कमेटी के अधिकारी जिहड़े ने उत्थे आपे खाना पूरी कर करके दे जा रहे, तो उन्हें अपना दोस्त लिया के सानू बेवकूफ बनाता, जज बना के बिठाता। मंग पत्र दिओ कोई इन्हां नूं, कोई इन्हां नूं मंग पत्र भूतां कोलों मरादां कित्थों मिलदियां, इन्हां तों मंग पत्र नहीं। असीं ते आ करोना ना हुंदा ते इत्थे बहुत वड्डी संगत दा लिया के ते इन्हां दा जलूस कढ़दे धरना दे के, एक करोना दी वजह नाल असीं मजबूर हैं। पर जांच तो बाद जेकर जांच तां पक्का असीं बिल्कुल विरोध करांगे, जिहड़ी ये जांच कराए ने ये जांच ठीक नहीं गी, फेर नहीं गी। इहदे च साडी कौम दे विच एडे एडे वड्डे IPS अफसर, IAS अफसर, रिटायर जनरल, रिटायर जज, रिटायर वकील, रिटायर प्रोफेसर, न्यूट्रल सिख ने जिहड़े ने जिन्हां दा राजनीति नाल कोई संबंध नहीं, उन्हां दी 5 मैंबरी दी कमेटी बनाउणी चाहीदी, उह दस सकदे सानूं की होया कित्थे होया। सिंह साहब भाई रणजीत सिंह जिन्हां ने अज खुलासा किया है कि 125 पावन सरूप जिहड़े ने उह इहदे विच जिहड़े जांच दे विच शामिल किए जा रहे हैं, तो उन्हां नूं छाप के दोबारा जिहड़े पावन सरूप गायब होए ने उन्हां विच रख्या जा रहा है, ताकि
अपनी गलती छुपाया जाए। दूसरा जिहड़े जांच कमेटी दे विच तेलंगाना तो जिहड़े वकील आए ने उन्हां नूं आख्या कि उह सिंह साहब दे दोस्त ने ते उह जांच सही तरीके नाल नहीं कर रहे थे। इस तों इलावा उन्होंने श्रोमणी कमेटी दे वी सवालिया निशान खड़ा किया कि जिन्हां कोलों जिन्हां ने गलतियां कीतियां है अज उही इहदी जांच कर रहे ने ते इह उन्हां नूं बर्दाश्त नहीं है ते उह इस जांच दा विरोध कर रहे ने। कैमरामैन अक्षय दे नाल सुमित खन्ना, जगबानी टीवी, अमृतसर।